बच्चों, इस वीडियो में इस बात करते हैं टेलीस्कोप की। माइक्रोस्कोप जो था वो तो बहुत छोटी छोटी चीज़ों को देखने के काम आता था बड़ा करके, पर कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिनका साइज़ तो काफ़ी बड़ा है पर वो हमसे बहुत दूर हैं, और बहुत दूर होने के कारण हमारी आँख पर जो एंगल उनका बनता है यानी कि एंगल ऑफ विज़न, वो बहुत ही छोटा होता है, जिससे बहुत ही छोटी इमेज रेटिना पर बनती है और उसको हम क्लियर नहीं देख पाते। तो उन ऑब्जेक्ट्स को दूर से देखने के लिए, दूर से एनलार्ज करके देखने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट को हम यूज़ करते हैं उसका नाम है टेलीस्कोप। अभी जो टेलीस्कोप हैं ये बेसिकली दो तरह के होते हैं। पहला जो इनका टाइप होता है वो होता है रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, और दूसरी तरह के टेलीस्कोप होते हैं रिफ्लेक्टिंग टाइप। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? एक्चुअली टेलीस्कोप में भी हम दो लेंसेज को यूज़ करते हैं, या दो डिवाइसेस को, एक को कहते हैं ऑब्जेक्टिव जो कि ऑब्जेक्ट की तरफ रखा जाता है, एक को कहते हैं आईपीस जो कि आँख के पास रखा जाता है। अब रिफ्रेक्टिंग टाइप में तो ये दोनों ही लेंस होते हैं, ऑब्जेक्टिव और आईपीस दोनों ही लेंस हैं। सो ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस बोथ आर लेंस। बट रिफ्रेक्टिंग टाइप की खास बात ये होती है कि इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है, इसका ऑब्जेक्टिव वो एक लेंस ना होकर एक मिरर होता है, कॉनकेव मिरर होता है। तो इसमें लेंस के साथ साथ हम मिरर को भी यूज़ करते हैं, यानी कि रिफ्लेक्शन के साथ साथ यहाँ पर रिफ्लेक्शन भी होगा। इस कारण से इस टेलीस्कोप को हम कहते हैं रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। अब बच्चों, ये जो रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप है ये भी तीन तरह के होते हैं। पहला एस्ट्रोनॉमिकल, इसको हम पढ़ेंगे डिटेल में, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जो कि दूर के चांद सितारों को देखने के काम आता है। सेकंड हम पढ़ेंगे टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, इसको हम धरती पर ही चीज़ों को देखने के काम में लेते हैं, जैसे कि क्रिकेट मैच देख रहे हैं दूर बैठकर, या पहाड़ों को देख रहे हैं जिसमें हम चाहते हैं कि चीज़ें सीधी दिखाई दें। एस्ट्रोनॉमिकल में हम चांद सितारों को देखते हैं, चांद अगर उल्टा भी हमें नज़र आए तो भी वो वैसा ही नज़र आएगा, पर अगर हम धरती पर ही किसी पहाड़ को देख रहे हैं तो वो उल्टा नज़र आए ऐसा हम नहीं चाहेंगे, वो सीधा ही देखना हम चाहेंगे। टेरेस्ट्रियल में हमें सीधी इमेज किसी भी ऑब्जेक्ट की मिल पाती है। इसी तरह से सीधी इमेज एक और रिफ्रेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में हमें मिल पाती है, जिसका नाम है गैलीलियन गैलीलियन टेलीस्कोप। तो ये तीनों तो रिफ्रेक्टिंग टाइप के हैं, और रिफ्लेक्टिंग टाइप में हमारे पास दो तरह के टेलीस्कोप है जिनको हमें पढ़ना है। एक है कैसेग्रेन और सेकेंड है न्यूटन का टेलीस्कोप। चलिए डिटेल में हमें पढ़ना है एस्ट्रोनॉमिकल, और इसमें थोड़ा सा चेंज करके टेरेस्ट्रियल और गैलीलियन भी समझ में आ जाएंगे। कैसेग्रेन और न्यूटन यानी कि रिफ्लेक्टिंग टाइप का जस्ट हमें इंट्रोडक्शन लेना है। चलिए समझते हैं इनको बारी बारी से। तो बच्चों, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में भी दो लेंस होते हैं, एक जो ऑब्जेक्ट की तरफ होता है उसको ऑब्जेक्टिव कहते हैं, और इसकी फोकल लेंथ को हम हमेशा की तरह कहेंगे एफ ओ। एक हमारी आंख के पास रखा होगा इस तरह से, यहाँ पर हम आंख को रख के देखेंगे तो इसको हम कहेंगे आई पीस, और हमेशा की तरह इसकी फोकल लेंथ को कहेंगे एफ ई। दोनों के बीच की डिस्टेंस को चेंज किया जा सकता है, और इस डिस्टेंस को भी हम कहेंगे ट्यूब लेंथ, दोनों लेंसेज के बीच की डिस्टेंस, और इसको एल से रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये काम कैसे करता है? बच्चों, जिस ऑब्जेक्ट को हमें देखना है वो है बहुत दूर यानी कि इनफाइनाइट पर, तो इनफाइनाइट से पैरेलल रेज आती हैं और ऑब्जेक्टिव पर गिरती हैं। क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट बहुत दूर है तो बहुत दूर से आने के कारण इस लाइट की इंटेंसिटी बहुत कम हो जाएगी, तो हमें इमेज जो बने वो इंटेंसिव बने, शार्प बने और ब्राइट बने। इसके लिए जो ऑब्जेक्टिव लेना होगा इसका अपर्चर हमें ज़्यादा से ज़्यादा रखना होगा, तो ऑब्जेक्टिव का अपर्चर जितना ज़्यादा होगा उतनी ब्राइट इमेज हमें मिल पाएगी, तो इसका अपर्चर ज़्यादा रखा जाता है ना। आईपीस के कंपैरिजन में इसका अपर्चर भी ज़्यादा होता है, और जब हम फॉर्मूला समझ लेंगे तो ये भी समझेंगे कि इसकी फोकल लेंथ भी ज़्यादा रखी जाती है ताकि हमें ज़्यादा मैग्निफिकेशन मिल पाए। तो यहाँ उल्टा है बच्चों, माइक्रोस्कोप के अगर रेस्पेक्ट में हम देखें, माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ और अपर्चर कम थे जबकि आईपीस के ज़्यादा थे। टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव का अपर्चर और इसकी फोकल लेंथ बड़ी है जबकि आईपीस के लिए ये छोटे हैं। चलिए, इनफाइनाइट पर ऑब्जेक्ट है तो वहाँ से पैरेलल लाइट रेज आती हैं और इस ऑब्जेक्टिव पर इस तरह से गिरती हैं,
इस तरह से, ठीक है बच्चों। एक छोटा सा एंगल ऑब्जेक्टिव पर बनाएंगी, इस एंगल को मैं कहूंगा अल्फा। अब ये लाइट रेज लेंस से पास होने के बाद, क्योंकि पैरेलल आ रही थी, तो ये फोकल प्लेन पर बनेंगी, फोकल प्लेन पर मिलेंगी, तो वहां पर ऑब्जेक्ट की एक छोटी सी इमेज बनेगी। तो बच्चों मान लेते हैं कि इसका फोकस पॉइंट यहां पर कहीं पर है, तो ये ऑप्टिकल सेंटर से जो लाइट रे पास हो रही है, ये विदाउट डेविएशन सीधी इस तरह से गुजर जाएगी, इस तरह से, और इसका भी रिफ्रैक्शन हो जाएगा इस तरह से कि ये सभी रेज फोकल प्लेन पर मिलेंगी। तो फोकल प्लेन पर यहाँ पर एक इमेज मिल जाएगी हमें, एक छोटी सी इमेज इस ऑब्जेक्ट की, जिसका नाम मैं रख लेता हूँ ए डैश बी डैश। चलिए अब ये जो ऑब्जेक्ट है जो कि इस लेंस के फोकस पर बनेगा, है ना, ये जो पॉइंट है वो है फोकस पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। अब ये जो इमेज बनी है, है ना, किस तरह की इमेज बनाई है इसको लिख लें हम पहले। तो इमेज ऑफ ऑब्जेक्टिव किस तरह की इमेज है ये बच्चों, रियल है जैसा कि आप देख सकते हैं, इन्वर्टेड है, रियल की रियल भी जब भी बनती है तो इन्वर्टेड भी बनती है, ठीक है। और ये स्मॉलर इमेज होगी, ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा होगा उसके कंपैरिजन में, बहुत छोटी सी इमेज ही फोकस पर बनी होगी, पर अब इसको एनलार्ज करने का काम करेगा हमारा ये आईपीस। ये आईपीस वही है जो सिंपल माइक्रोस्कोप होता है, उसी की तरह हम इसको यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करते हैं, तो ये जो इमेज बनी है वो इस आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगी, तो फिर इसकी दोबारा से इमेज बनाएगा। उस इमेज को फाइंड करने के लिए मैं पहले ए डैश की इमेज ढूंढूंगा, ए डबल डैश, और उसके लिए मैं ए डैश से कुछ रेज स्टार्ट करता हूँ, जैसे कि एक एक्सिस के पैरेलल इस तरह से। और उसके पहले बच्चों ये भी आप ध्यान दें कि इस इमेज का, जो कि इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट है, इस लेंस के फोकस पॉइंट के अंदर अंदर होना जरूरी है। तो हम इनके बीच की डिस्टेंस को इस तरह से चेंज करेंगे, या ट्यूब लेंथ को इस तरह से चेंज करेंगे कि इस लेंस का जो फोकस है वो यहाँ कहीं पर आ जाए, एफ ई, यानी कि ये जो इमेज है ए डैश बी डैश जो इसके लिए ऑब्जेक्ट है वो इसके फोकस के बीच बीच में आ जाए। तो एफ ई इतनी डिस्टेंस पर इधर कहीं भी होगा, और इसका रिफ्रैक्शन इस तरह से होगा कि ये लाइट रे एफ ई से गुजर जाएगी। इसके अलावा जो रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी वो विदाउट डेविएशन सीधी गुजर जाएगी, और इन दोनों रेज को अगर हम पीछे की तरफ बढ़ा लें तो किसी न किसी पॉइंट पर हमें मिलती हुई अपीयर हो जाएगी। जिस पॉइंट पर मिलती हुई अपीयर होगी वही होगी ए डैश की फाइनल इमेज ए डबल डैश, और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें तो ये हमें मिल गया बी डबल डैश। अब कुछ डिस्टेंसेज मैं यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ। जैसे ऑब्जेक्टिव है, तो ऑब्जेक्टिव से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस तो इनफाइनाइट है, तो यू फॉर ऑब्जेक्टिव इज इनफाइनाइट, और ऑब्जेक्ट जब इनफाइनाइट पर है तो इमेज बन गई है इसके फोकस पर। तो यहाँ से ये डिस्टेंस जो है, जिसको हम कहते हैं इसकी इमेज डिस्टेंस वी ओ, वो इसी की फोकल लेंथ एफ ओ के इक्वल है, ठीक है ना बच्चों, एफ ओ के इक्वल। फिर ये ऑब्जेक्ट इस लेंस के लिए, ये इमेज इस लेंस के लिए बन गई ऑब्जेक्ट, तो इस लेंस से इसकी जो ये डिस्टेंस है इसको हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहा करते हैं, मगर किससे, आई पीस से। तो आई पीस से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी कि यू ई इसको हम कह देंगे, ठीक है। और फिर इस लेंस ने इमेज जो बनाई है वो कहाँ बनाई है, वो बनाई है यहाँ पर। तो ये वाली जो डिस्टेंस है इस लेंस से, इसको हम कहेंगे इमेज डिस्टेंस फॉर आई पीस, ये वी ई हो गया, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ट्यूब लेंथ हमें मिल जाती है इस तरह से। ट्यूब लेंथ का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, दोनों लेंसेज के बीच की डिस्टेंस, दैट इज वी ओ प्लस यू ई, बट वी ओ को हम लिख सकते हैं एफ ओ, तो ये हो जाएगी हमेशा एफ ओ प्लस यू ई। तो यू ई पर डिपेंड करेगा ये, और यू ई डिपेंड करेगा ट्यूब लेंथ पर, क्योंकि एफ ओ तो फिक्स हो गया। अब आप ट्यूब लेंथ जितनी रखेंगे उस हिसाब से यू ई सेट होगा, और यू ई की वैल्यू यहाँ पुट करके हम ट्यूब लेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए अब इसका एंगुलर मैग्निफिकेशन यानी कि मैग्नीफाइंग पावर कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर हम देखें इसकी मैग्नीफाइंग पावर, कैपिटल एम से हम इसको शो करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है बीटा अपॉन अल्फा। बीटा तो होता है फाइनल इमेज जो एंगल बनाएगी आंख पर, और अल्फा होता है ऑब्जेक्ट जो एंगल बनाएगा आंख पर, ठीक है। तो पहले मैं देखता हूँ फाइनल इमेज कितना एंगल बना रही है, बीटा फाइनल इमेज हमारी है ये, और ये आंख पर कितना एंगल बनाएगी। तो आंख ऑब्जेक्ट इस आईपीएस के बहुत पास है, तो जो एंगल आंख पर बनेगा वही हम ऑब्जेक्टिव पर बनता हुआ मान सकते हैं, तो सॉरी इस आईपीएस पर बनता हुआ मान सकते हैं। तो इस एंगल को हम कह रहे हैं बीटा।
तो इस बीटा को कैसे लिखेंगे? बीटा को हम ऑलमोस्ट टेन बीटा लिखकर सॉल्व कर लेंगे. बीटा इज ऑलमोस्ट टेन बीटा एंड दिस टेन बीटा इज इस ट्रायंगल से देखें तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस. सो दिस इज ए डैश बी डैश अपॉन ये वाली जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है यू ई. तो ये हो जाएगी हमारे पास ए डैश बी डैश अपॉन यू ई. इसकी ये वैल्यू मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ बीटा की जगह. सो इट विल बी ए डैश बी डैश अपॉन यू ई. अब अल्फा. अल्फा क्या है? ऑब्जेक्ट जो एंगल बनाता है हमारी आंख पर. अब यहाँ पर बच्चों हम ऑब्जेक्ट को नियर पॉइंट पर नहीं ला सकते, इसलिए जहाँ ऑब्जेक्ट है बस वहीं से बनने वाला एंगल देखेंगे. पर इतना जरूर है कि आंख पर बनता हुआ एंगल हम वही मान सकते हैं जो कि ऑब्जेक्टिव पर बन रहा है. ऐसा क्यों? आप कहेंगे सर ऑब्जेक्टिव तो बहुत दूर है आंख से. तो ये इस डायग्राम में नजर आ रहा है बच्चों. आप देख किसको रहे हैं? आप देख रहे हैं दूर चांद सितारों को या दूर किसी पहाड़ को. तो वो इतना दूर है कि उस डिस्टेंस के कंपैरिजन में दोनों लेंसेज के बीच की डिस्टेंस को हम नेग्लिजिबल मान सकते हैं. और ऐसा कह सकते हैं कि जो एंगल वो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव पर बनाएगा वही ऑलमोस्ट आईपीस पर बनाएगा, वही ऑलमोस्ट आंख पर भी बनाएगा. तो हमें जो अल्फा चाहिए आंख पर बनने वाला वो यही एंगल हो जाएगा जो कि ऑब्जेक्टिव पर बन रहा है. अब ये एंगल अगर अल्फा है तो आप देख सकते हैं इसके वर्टिकली अपोजिट ये वाला एंगल भी अल्फा हो जाएगा. और इस ट्राइंगल से हम टेन अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे. अल्फा जो कि नियरली इक्वल होगा टेन अल्फा के. और इसको लिखा जा सकता है इस ट्राइंगल से परपेंडिकुलर अपॉन बेस ए डैश बी डैश अपॉन एफ ओ. सो इट इज ए डैश बी डैश अपॉन एफ ओ. इसकी वैल्यू यहाँ मैं पुट कर रहा हूँ. सो इट विल बी ए डैश बी डैश अपॉन एफ ओ. और इससे मुझे मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला मिल जाता है. एम इक्वल्स टू ए डैश बी डैश कैंसिल हो गया है और ये फॉर्मूला आ गया है एफ ओ अपॉन यू ई. इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैग्नीफाइंग पावर का जो कि आपको याद रख लेना है. एफ ओ तो फिक्स है ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ और यू ई यहाँ पर है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर आई पीस. चलिए यहाँ पर आप ये भी समझ सकते हैं कि अगर हम ट्यूब लेंथ को चेंज करें तो ये मैग्नीफाइंग पावर कैसे चेंज होगी. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम ट्यूब लेंथ को बढ़ाएं तो क्या होगा, यानी कि दोनों लेंसेज के बीच की डिस्टेंस को बढ़ाएं अगर. तो देखो बच्चों ये ट्यूब लेंथ बढ़ रही है. अब इसमें से एफ ओ तो कॉन्स्टेंट है, इसका मतलब आप यू ई को बढ़ा रहे हैं. तो ट्यूब लेंथ बढ़ रही है तो यू ई बढ़ रही है, और यू ई अगर बढ़ रही है तो इसकी मैग्नीफाइंग पावर जो है वो कम हो जाएगी. इसी तरह से अगर आप ट्यूब लेंथ को घटाएं तो ट्यूब लेंथ में एफ ओ तो फिक्स है तो आप यू ई को घटा रहे हैं, तो इसका मतलब यू ई कम हो रहा है, और यू ई अगर कम हो रहा है तो मैग्नीफाइंग पावर ज़्यादा हो रही है. अब इसके दो स्पेशल केस. अच्छा ये तो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला हो गया, ट्यूब लेंथ का फॉर्मूला अलग से मैंने आपको बताया एफ ई प्लस यू ई. तो ये दोनों ही चीज़ें यू ई पर डिपेंड कर रही हैं एक्चुअली कि यू ई की वैल्यू क्या होगी, है ना. तो दोनों के फॉर्मूले याद रखने हैं. और अब इन दोनों के लिए हम दो स्पेशल केस देखेंगे. आप जानते हैं ये कौन से केस, एक जब हमें मैग्नीफाइंग पावर मैक्सिमम मिलती है और एक जब हमें जब मिनिमम मिलती है. मैग्नीफाइंग पावर हमें मैक्सिमम मिले उसके लिए हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है कि हमारी आँखें मोस्ट स्ट्रेस्ड होती हैं, यानी कि हमें फाइनल इमेज कहाँ बनानी पड़ती है, नियर पॉइंट पर. पर जब हम मैग्नीफाइंग पावर कम से भी राजी हो जाते हैं और हमारी आंखों को रिलैक्स रखना चाहते हैं तो फाइनल इमेज हम बनाते हैं इनफाइनाइट पर. तो इन दोनों केसेस को बारी बारी से हम समझ लेते हैं. तो पहला केस है, केस फर्स्ट, फोर मोस्ट रिलैक्स्ड आईज. ये कब होती है मोस्ट रिलैक्स्ड आईज? जब फाइनल इमेज कहाँ बनती है, इनफाइनाइट पर. इस विजन को हम नॉर्मल विजन भी कहते हैं कई बार, या नॉर्मल अरेंजमेंट भी कह सकते हैं कि दोनों लेंसेज के बीच की डिस्टेंस को इस तरह से अरेंज किया गया है कि फाइनल इमेज इनफाइनाइट पर बने. अब तुम बताओ बच्चों कि फाइनल इमेज इनफाइनाइट पर कब बनती है, कौन बनाता है फाइनल इमेज? आई पीस. और फाइनल इमेज इनफाइनाइट पर तब बनती है जब ऑब्जेक्ट रखा हो कहाँ पर, फोकस पर. तो ऑब्जेक्ट जो है किसका ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट ऑफ आईपीस. ध्यान रखना ऑब्जेक्ट तो जहाँ है वहाँ रहेगा, पर ये किसकी बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ आईपीस, जो कि ऑब्जेक्टिव की इमेज थी वही आईपीस का ऑब्जेक्ट था. तो फाइनल इमेज इनफाइनाइट पर तब बनेगी जब आईपीस का ऑब्जेक्ट फोकस पर होगा, यानी कि एफ ई पर, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम आईपीस शुड बी इक्वल्स टू इट्स फोकल लेंथ. और अब हम मैग्नीफाइंग पावर लिख सकते हैं इस केस में, क्योंकि फाइनल इमेज इनफाइनाइट पर बन रही है तो इसका सिंबल हम बना लेते हैं एम इनफाइनाइट. यहाँ पर आंखें तो रिलैक्स्ड हैं मगर मैग्नीफिकेशन हमें मिनिमम मिलता है, तो मिनिमम मैग्नीफिकेशन से हमें राजी होना पड़ता है.
और उसकी वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी। अभी फॉर्मूला देख रहे थे हम कि फॉर्मूला था एफ ओ अपॉन यू ई, तो एफ ओ अपॉन यू ई, यू ई की वैल्यू लिख सकते हैं एफ ई, तो ये तो हो गई मैग्नीफाइंग पावर। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला आ गया एफ ओ अपॉन एफ ई। दूसरा ट्यूब लेंथ को इस बार हमें लिखेंगे एल इनफाइनाइट। ट्यूब लेंथ का फॉर्मूला था एफ ओ प्लस यू ई, एफ ओ प्लस यू ई, और यू ई की वैल्यू पुट कर देंगे एफ ई। तो इस नॉर्मल विजन में ये फॉर्मूले बड़े ही आसान हो गए हैं। मैग्नीफाइंग पावर दोनों लेंसेज की फोकल लेंथ का रेशो है और ट्यूब लेंथ जो है वो दोनों का सम है। इस रेशो में ध्यान रखें कि बड़ी वाली फोकल लेंथ ऊपर आएगी, छोटी वाली फोकल लेंथ नीचे आएगी, बड़ी मीन्स ऑब्जेक्टिव की, तभी तो हमें ग्रेटर देन वन मिलेगी मैग्नीफाइंग पावर। चलिए सेकेंड हम बात कर लेते हैं, फॉर मोस्ट स्ट्रेस्ड आईज, फॉर मोस्ट स्ट्रेस्ड आईज, तब स्ट्रेस मैक्सिमम है, मैग्नीफाइंग पावर हमारी मिनिमम है। ऐसा तब होता है जब फाइनल इमेज जो है वो कहाँ पर बनती है, नियर पॉइंट पर। कौन बनाता है फाइनल इमेज, आईपीस। तो आईपीस से इमेज डिस्टेंस जो है वो किसके इक्वल हमें मिलेगी, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के इक्वल। और ऐसा तब होता है, फाइनल इमेज नियर पॉइंट पर तब बनती है जब लेंस से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं। तो आईपीस का जो ऑब्जेक्ट है उसकी डिस्टेंस आईपीस से होनी चाहिए यू इक्वल्स टू, हमने याद किया हुआ है, डी एफ अपॉन डी प्लस एफ, और एफ की जगह एफ ई है क्योंकि बात आईपीस की हो रही है, है ना। तो मोस्ट स्ट्रेस आईस तब जब फाइनल इमेज नियर पॉइंट पर, फाइनल इमेज नियर पॉइंट पर तब जब ऑब्जेक्ट डी डिस्टेंस पर, सॉरी फाइनल इमेज डी डिस्टेंस पर और ऑब्जेक्ट रखा हो डी एफ अपॉन डी प्लस एफ डिस्टेंस पर। अब इस केस में मैग्नीफाइंग पावर को हम क्या कहें, इसका नाम रख लेते हैं एम डी, और इस केस में आप जानते हैं कि ये मैक्सिमम मिलती है, और इसकी वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, तो फॉर्मूला था एफ ओ अपॉन यू ई, यू ई की ये वाली वैल्यू पुट कर लें, तो डी एफ अपॉन डी प्लस एफ, इसको रीअरेंज करके लिख लें अगर, तो एम डी इक्वल्स टू एफ ओ अपॉन एफ ई इन टू, ये आ जाएगा हमारे पास वन प्लस एफ ई अपॉन डी। तो ये हो गया फॉर्मूला हमारे पास किसका, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्मड एट नियर पॉइंट। इसी तरह से ट्यूब लेंथ क्या हो जाएगी इस केस में, ट्यूब लेंथ का फॉर्मूला था एफ ओ प्लस यू ई, तो यू ई की वैल्यू ये वाली हम पुट कर लेंगे, डी एफ अपॉन डी प्लस एफ, ये ट्यूब लेंथ हो गई। अच्छा यहाँ भी बच्चों अगर आप ध्यान दें तो जो फाइनल इमेज है वो ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में तो इन्वर्टेड ही बनी है। यहाँ पर भी तीन चीज़ें हो गई हैं, एक ऑब्जेक्ट जो हमसे बहुत दूर है जो ऊपर की तरफ प्रेजेंट था उसकी इमेज इन्वर्टेड बनी थी, रियल बनी थी और छोटी बनी थी, ठीक है ना, जैसा कि हमने यहाँ लिखा भी था। फिर इस आईपीस ने कैसी इमेज बनाई थी इसकी, आप देख रहे हैं कि यहाँ मिलती हुई अपीयर हो रही है रेज, तो इसने वर्चुअल बनाई थी, तो इस आईपीस ने बनाई थी वर्चुअल इमेज, और इसी की साइड पर बनाई है तो इरेक्ट इमेज, और इसके कंपैरिजन में मैग्नीफाइड इमेज बनाई थी। पर अगर ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में हम ध्यान दें कि इमेज कैसी बनी है, तो ऑब्जेक्ट था ऊपर की तरफ, इमेज है नीचे की तरफ, यानी कि इन्वर्टेड है, ठीक है ना, इन्वर्टेड इमेज है और मिलती हुई अपीयर हो रही हैं तो वर्चुअल है, तो वर्चुअल और इन्वर्टेड इमेज इसमें हमें मिलती है, ठीक है बच्चों। एक और बात, क्योंकि ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में फाइनल इमेज इन्वर्टेड है तो हमारे जो मैग्नीफाइंग पावर के फॉर्मूले हैं उसमें एक माइनस हमें अलग से पुट करना चाहिए। अगर ऑप्शंस में माइनस के साथ आंसर्स दिए हों तो माइनस वाले आंसर जो हैं वो ज़्यादा करेक्ट हो जाएंगे, है ना। इस जनरल फॉर्मूले में भी हम एक माइनस यहाँ पर अलग से यूज़ कर सकते हैं और फिर यू ई की जस्ट वैल्यू लिख देंगे, तो माइनस अलग से बता देगा कि जो इमेज है वो इन्वर्टेड है। तो ये था बच्चों एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। अब इस एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में एक ड्रॉबैक है कि इमेज को उल्टा कर देता है। अब जब आप आसमान में चांद को देख रहे हैं या किसी सितारे को देख रहे हैं तो चांद की इमेज अगर उल्टी भी हो जाए तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, है ना, वो वैसा ही हमें नज़र आएगा। पर अगर हम ज़मीन पर किसी चीज़ को देख रहे हैं, जैसे किसी पहाड़ को देख रहे हैं जो दूर प्रेजेंट है हमारे से, तो इसकी इन्वर्टेड इमेज जो होगी वो इस तरह की बनेगी, तो हम इसको उल्टा करके नहीं देखना चाहेंगे। तो इसका ड्रॉबैक है कि इसमें इन्वर्टेड इमेज बनती है, और इसको दूर करते हैं ये दोनों टेलीस्कोप, टेरेस्ट्रियल और गैलेलियन।
इन दोनों टेलीस्कोप में हम इस तरह का अरेंजमेंट करते हैं कि ये जो इमेज है वो एक बार और उल्टी हो जाए ताकि हमें वो सीधी नजर आए। तो उनको नेक्स्ट वीडियोज में हम बारी बारी से समझ लेते हैं।